मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत, अगेन उसमें जो सेकंड नंबर की स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन यानी काला हवाई जहाज, उसका हम बहुत अच्छे से अर्थ समझ चुके थे, एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? मैं रिस्क लूंगा, मैं खतरा मोल लूंगा, कौन सी रिस्क थी? और वो कथाकार किस चीज को ऐसा करने के लिए क्यों कर रहा था? वो किस चीज के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार था? आंसर, द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। वो जो खतरा था वो क्या था कि काले तूफान वाले बादलों के बीच में से फ्लाई करना था, उसको अपने हवाई जहाज को ले जाना था। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज हिज होम वॉज बैकनिंग हिम। क्योंकि वो जो कथाकार था वो इस प्रकार की रिस्क इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि उसको अपने घर जाने की तीव्र याद आ रही थी और उसका घर उसे बुला रहा था। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली। क्योंकि वो अपने हॉलीडेज को कैसे, उसका सपना था कि मैं अपने हॉलीडे में अपनी फैमिली के साथ रहूंगा और ब्रेकफास्ट करूंगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब नरेटर कथाकार का जो अनुभव था जब उसने एरोप्लेन कहा उन तूफानी बादलों के बीच में उड़ाया, उसका क्या अनुभव रहा? As the narrator flew into storm, everything went black. जैसे ही नरेटर या कथाकार ने अपना हवाई जहाज तूफानी बादलों की तरफ उड़ाया तो वहाँ सब कुछ काला नजर आ रहा था। It was impossible to see anything outside the plane. प्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव प्रतीत हो रहा था। The plane jumped and twisted in the air. प्लेन जो था वो उछला और हवा में घूम गया। His compass was turning round and round. और उसका जो दिशा सूचक यंत्र कंपास था वो पूरी तरह से गोल गोल घूमने लगा। The other instruments including radio was also dead. और सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि रेडियो को भी मिला करके सब कैसे हो गए थे, मृत हो चुके थे, उनने वर्किंग करना बंद कर दी थी। Suddenly he saw another aeroplane and its pilot waved at him, asking him to follow. तभी उसने अचानक से एक दूसरा एरोप्लेन देखा और उसमें उसका जो पायलट बैठा था वो उसको देख के हाथ हिला रहा था और उसको फॉलो करने के लिए कह रहा था। He was glad to find a helper. वो एक किसी मदद करने वाले को देखकर खुश हो गया। He was using his last fuel tank and there was only enough fuel to fly 5 or 10 minutes. और उसने जब अपने लास्ट फ्यूल टैंक की तरफ देखा तो उसमें कितना ईंधन था? सिर्फ 5 से 10 मिनट तक की उड़ान भरने के लिए ईंधन बचा था। Then the other plane started to go down and he followed. और उसने दूसरे एरोप्लेन को देखते हुए उसको फॉलो करते हुए कहाँ गया? नीचे गया। He suddenly came out of the clouds and saw the runway. और अचानक उसने क्या करिए, फिर वो क्लाउड्स के बाहर आ चुका, आ गया और उसने रनवे को देखा। On which he landed his plane safely, जिस पर उसने अपने प्लेन को सफलतापूर्वक उतारा। Next question देखिए बच्चों, Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? अब narrator क्या बोलता है कि मैंने बहुत सुरक्षापूर्वक उतर गया लेकिन मुझे old Dakota अपने हवाई जहाज के लिए कोई दुख नहीं है। The narrator was not sorry to walk away from the old Dakota because He had a horrific and scary experience flying that plane. उसको ओल्ड डकोटा को पीछे छोड़ने के लिए दुख इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उस प्लेन के अंदर बहुत ही एक डरावना और एक बहुत परेशान करने वाला एक जो अनुभव था उस प्लेन में गुजारा। He was happy he landed safely. वो बहुत खुश था कि उसने बहुत सफलतापूर्वक अपने हवाई जहाज को लैंड कर लिया था। He wanted to know where he was and who the other pilot was. वो चाहता था कि वो कहाँ है और वो दूसरा पायलट कहाँ है जिसने उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली।
कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला ने नरेटर को बहुत अजीब ढंग से क्यों देखा और क्यों उसको बहुत अजीब लगा? आंसर, द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द आइडेंटिफाइड ऑफ द अदर पायलट. शी टोल्ड हिम दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट एंड ही वॉज द ओनली प्लेन शी कुड सी ऑन द राडार. वो जो महिला थी वो उस नरेटर यानी कथाकार को बहुत देख करके अजीब फील कर रही थी, जबकि उसने पूछा कि वो दूसरे पायलट के बारे में पूछ रहा था जिसकी सहायता से वो सक्सेसफुली लैंड कर गया था. लेकिन उसने बताया उस महिला ने कि वहाँ पर कोई और दूसरा प्लेन नहीं था उस रात्रि में उड़ान भरने के लिए और उसने सिर्फ उसी को राडार पर देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों. व्हाट डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपको क्या लगता है इस स्टोरी को सुनकर के कि उस कथाकार को किसने सच में मदद की होगी या क्या कारण रहा होगा कि वो बहुत अच्छे से सेफली अपने स्थान पर पहुंच गए? आंसर, प्रोबेबली इट वाज नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू रीच सेफली. मुख्य रूप से तो यही समझ में आता है कि जो कथाकार है उसने खुद अपनी मदद की है ताकि वो सुरक्षित रह पाए. There was no other plane as the women at control center who could see only the narrator's plane at radar told the narrator. क्योंकि जैसा कि उस महिला ने कहा कि उस दिन कोई उस रात्रि को कोई भी प्लेन उड़ान नहीं भर रहा था, इसलिए वहाँ पर कोई दूसरा प्लेन या पायलट नहीं था. इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि नरेटर ने खुद से अपनी हेल्प की. थैंक यू बच्चों, इन क्वेश्चन आंसर को आप बहुत अच्छे से याद करें. ठीक है.